FBI. मालिका है दे? जिया हो बिहार के लाला। ए भाई, बहुत छोटा पाक, आप एक काम करिए, बड़ा नहीं। अबे पागल है क्या? बड़ा ही तो मांग रहे हैं बहनजी। पाक। बड़ा ही तो मांग रहे, कोई दिक्कत है क्या? पागल औरत है, पहले भी चाहता था। ये सब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, बड़ा नहीं। इस बिहारी को कुछ भी टरका देता हूँ। ये लो भैया, कोबरा का ये। नहीं 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 नहीं, इसमें सांप तो बना ही नहीं है। फिस 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 फिस। चल निकल जारी यहाँ से। बक यार, हमको भूख लग रही है। दुकान खोला होता तो साला दूध ही पी लेते। अबे यार, अब इसके लिए चावल कहाँ से लाओ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग तो टट्टी चोखा भी खाते हो ना। बिहार से है, इसका मतलब ये 24 घंटा चावले खाएंगे। और तुम सुनो, लिट्टी चोखा टट्टी चोखा नहीं। क्या हो रहा है? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही है? ये बिहार से, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम इसका मजाक उड़ाओगे। जो भी है तो हमारा दोस्त ही ना। तुम्हें पता है ज्यादातर आईएएस आईपीएस जितने भी टॉपर्स हैं सब बिहार से हैं। तो इसलिए आज के बाद इसे कोई बिहारी चावल नहीं बोलेगा, इसे भात बोलेंगे। नेक्स्ट। सर, आई एम ब्रजेश कुमार झा, आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार। झा हो? जी सर। बिहारी? जी। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट बिहार। बिहार, बिहार इज अ वेरी कल्चरल सिटी एंड आई सीन बिहार एज अ दुबई इन 5 years। एंड सर, आई वॉन्ट टू बी द पीएम ऑफ बिहार। देखो मिस्टर ब्रजेश कुमार झा बिहारी जी, देखो आपका इस ऑफिस में तो कुछ हो नहीं सकता। और सेकंड चीज़ है, इस ऑफिस में मेरे ख्याल से तो आपका इस दिल्ली में ही कुछ नहीं हो सकता। पहले अपनी थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश अच्छी कीजिए। मिस्टर झा बिहारी कहेंगे। सर क्या बोले सर अभी आप? बिहारी? सर हमको एक बात बताइए। बोलो। जैसे लोग सर पंजाब से आते तो उनको पंजाबी कहते हैं, और जो सर बिहार से आते उनको बिहारी कहते हैं। लेकिन सर हमने एक चीज जो नोटिस करी वो ये कि जब बिहारी को एज ए गाली दूसरों को दिया जाता है, ऐसा क्यों सर? सर हम इंसान नहीं है क्या? छोड़िए ये सब बात छोड़िए, आप अंग्रेजी का कसूरदार हम किसको ठहराएं? हम उस मास्टर जी को पकड़े जो बचपन में हमको बॉल की स्पेलिंग बी ए सटल सटल एल बताता था, या हम उस घातक इंग्लिश कोचिंग सेंटर को पकड़े जिसका टैगलाइन ये था कि हम रिक्शा वाला को इंग्लिश सिखा दे, या हम उन लोगों को पकड़े जो हमको खूंखार खूंखार खतरनाक खतरनाक ट्रांसलेशन देते थे, गधा सड़क पर अकड़ के भड़क गया। बताइए सर, यह आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, लेकिन जब तक हम अपने मन में इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते हैं, आप जैसे लोग जो अपने आप को ग्रामर का बाप समझते हैं हमको जज कर लेते हैं। आधा कॉन्फिडेंस तो हमारा बचपने में लूज हो जाता है, और आधा कॉन्फिडेंस आप जैसे लोग हमको जज करके कर देते हैं। अगर हम नाइकी को नाइक बोल दे और पूमा को पूमा बोल दे। खैर ये सब बात छोड़िए सर, दुनिया समझती नहीं, लोग समझा रहे हैं कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन एक बात जो है हम आपके लिए दिल से बोलना चाहेंगे, प्लीज डोंट माइंड। ना बोलो सर, आप एक नंबर के बेहुदा किस्म के इंसान हैं। नमस्ते, आप सभी को तहे दिल से मुबारक हो नए साल, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और यार कमेंट करके बताओ आप अपने प्यारे दोस्तों के साथ कैसे मस्ती करते हैं।